Hello students, welcome once again to the world of physics and hope your studies are going very smooth and you are very fine at your home. Physics aapki achhi chal rahi hai. And connecting to the previous session, hum chapter 3 kar rahe hain, motion in straight line. Previous session mein humne kiya tha equations of motion ko introduce. चार इक्वेशन ऑफ मोशन थी फॉर अ चेंज, तीन वही जिनको आप जानते हो. फोर्थ वन वाज कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड. nth सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है ये अपन ने निकाला था, है ना. दैट वाज u प्लस a बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 n माइनस 1 समथिंग लाइक दैट. और फिर हमने कहा था इन इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको तीन तरीके से डिराइव करना आना चाहिए. वन इज एनालिटिकल, सेकंड इज ग्राफिकल एंड थर्ड इज कैलकुलस. एनालिटिकल से हमने चारों इक्वेशन डिराइव कर दी उसी सेशन में. नेक्स्ट हमारी टर्न है ग्राफिकल, फिर हमारी टर्न आएगी कैलकुलस जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से करेंगे, जिससे हमने कहा था वो तो एमवी हो जाएगा. ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन जब ग्राफिकल मेथड से करेंगे, एक चीज आपको बता दूं कि इससे तीन इक्वेशन आएंगी. ठीक है, इससे तीन इक्वेशन आएंगी और वो कैसे आएंगी, क्या आपको निकालनी आती है? बिल्कुल आती है, ये नाइन्थ क्लास का काम है, नाइन्थ क्लास के अंदर अपन ने की है. सो दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर बोथ, इवन एक इलेवंथ क्लास का बच्चा हो या एक नाइन्थ क्लास का बच्चा हो, दोनों के लिए सेम ही है, उसी लैंग्वेज में बात करेंगे अपन. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, कहानी अब तक खत्म. अब आगे इक्वेशन ऑफ मोशन हमें निकालनी है. अब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको ग्राफ कौन सा बनाना है, कैसे बनाना है, बाकी आपकी इक्वेशन निकलती जाएगी. आपको ध्यान रखना है कि आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं बनाना, वेलोसिटी टाइम बनाना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम. और आप क्या मान करके चलोगे, आप किसी कार की, सपोज किसी कार की जर्नी देख रहे हो या किसी व्हीकल की, किसी पर्सन की, किसी भी पर्सन की जर्नी इन बिटवीन देख रहे हो. इन बिटवीन मतलब जब आपने उसको देखना स्टार्ट किया, जब आपने उसको देखना स्टार्ट किया मतलब आपके अकॉर्डिंग जब टाइम जीरो था, जब आपके अकॉर्डिंग टाइम जीरो था तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी यू, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से वो चल रहा था. पर साथ में उसके पास पूरी जर्नी के लिए कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी था, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी. फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को बाइक चलाते हुए देखा 30 की स्पीड पे, पर आप देखते रहे उसको, उसके पास कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है. और आपने कब तक देखा, जब तक उसकी स्पीड 80 नहीं होगी, समथिंग लाइक दैट. तो आपने किसी एक टाइम तक देखा, पता नहीं क्या टाइम है वो, उसको पेनल्टी लिख दिया और लास्ट में उसकी वेलोसिटी होगी वी, किसी एक एक्सेलरेशन की वजह से बढ़ गई वेलोसिटी. ठीक है, ये सारा वहां लिख करके नहीं आना, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर डेमोंस्ट्रेट कर दिया. अब इसको ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे, देखो दिस इज ओरिजिन, पहले मैं बना के रख रहा था, मैंने कहा नहीं इन द वीडियो ही बनाएंगे इसको, ताकि आपको बनाना भी आ जाए, बहुत इजी है वैसे तो. फिर भी हमने क्या कहा, टाइम जीरो पे भी उसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी यू. अब ये इनिशियल वेलोसिटी धीरे धीरे करते करते बढ़ती जाएगी. ठीक है, तो बढ़ा देते हैं इसको. लो जी, सपोज करो यहां तक आपने बढ़ा और ये आपका, यहां तक आपके पास रिकॉर्ड है ना, और ये आपका हो जाएगा लास्ट टाइम टी. ये टाइम टी हो जाएगा जिसकी अपन बात कर रहे हैं, टाइम ऑफ जर्नी या टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, व्हाट एवर यू वांट टू से यू कैन से. अच्छा, और ये जो लास्ट वेलोसिटी है जो आपने ऑब्जर्व की, कि इसकी जो सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी है वो ये होगी, थोड़ी सी ऊपर चलेगी मेरी, जो मैक्सिमम वेलोसिटी है ये होगी वी. ठीक है, समझ रहे हो आप, बहुत आसान है. अच्छा, इसको भी ध्यान देना कि एक तो v सिंबल होता है वेलोसिटी का, और एक अपन इसको फाइनल वेलोसिटी को भी v ही कह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर. ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन. हमने कहा कि u इनिशियल वेलोसिटी थी, बढ़ते बढ़ते कितनी होगी, v होगी, और उसके बीच में जो एक्सेलरेशन आया होगा वो आया होगा a. क्लियर, कोई दिक्कत नहीं. इस ग्राफ को थोड़ा सा पूरा करते हैं, यहां पर कुछ कुछ बातें ऐड करते हैं, इसमें कुछ कलर्स यूज कर लेते हैं. मैं इसको यहां से ज्वाइन कर देता हूं, तो आप ये बताओ कि ये वाली जो लेंथ है, दिस लेंथ इज u, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, पता ही अपने को कि ये लेंथ u होती है. और अगर ये पॉइंट v है, इट मींस दिस लेंथ टेढ़ी लेंथ होगी, सीधी लेंथ बना लेते हैं, तो इसका मतलब दिस लेंथ इज v, थोड़ी बहुत सीधी है, चलो अपना काम चल जाएगा. दिस लेंथ इज u एंड दिस लेंथ इज v, क्लियर. और इट मींस ये तो u है, ये v है, तो ये वाली लेंथ जो है, दिस लेंथ इज व्हाट, इफ यू हैव टू आंसर कि दिस लेंथ
और आप इसको कहोगे कि दिस इज सर दिस इज वी माइनस यू, ओके कोई दिक्कत नहीं है। इट मीन्स पूरी जर्नी में चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, वी माइनस यू आ गया आपके पास। तो पूरी जर्नी में चेंज इन वेलोसिटी हो गया v माइनस यू। आई थिंक दिस पार्ट इज विजिबल और नॉट, मैं इसको थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट कर देता हूं सो दैट इट इज क्लियरली विजिबल, ठीक है v माइनस यू। साथ साथ में आप डायग्राम बना सकते हो, हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आ गया। और एक और चीज कि हम यहाँ पे ना नेम्स रख देते हैं पॉइंट्स के, लाइक ये ओ है, इसको मैंने ए कह दिया, इसको मैंने बी कह दिया, इसको सी कह दिया और इस पॉइंट को डी कह दिया। क्यों कहा, आप कुछ और कह लो, आपको अगर ये अच्छा नहीं लगता तो कुछ और कह लो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ओके नाउ फाइन, अब अपन वी आर रेडी विद आवर मटेरियल, इतना ही मटेरियल चाहिए। अब धड़ाधड़ इक्वेशंस निकालेंगे, तीन ही तो निकालनी है। स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट इक्वेशन से। आपको पता है कि फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपका टारगेट क्या है, आपने अगर टारगेट सेट कर लिया तो और आसान हो जाएगा। टारगेट क्या है आपका, इट इज वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसा टारगेट है। और देखो बिल्कुल वैसे नकली है इसका डेरिवेशन, बट अगर आपको वहां पे लिख करके आना है तो एनालिटिकल में भी उन्होंने यही कहा था कि कैसे करोगे आप, जानबूझ के एक फॉर्मूला लिखता था ताकि थोड़ी बहुत बात हमारी लंबी हो जाए, नहीं तो एक्सेलरेशन फॉर्मूला लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, एक जो प्लेस चेंज करा दो, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से राइट हैंड कुछ भी करो और आपके पास इक्वेशन बन जाती है। सिमिलरली यहां भी वैसे ही करेंगे, यहां भी वैसे ही करेंगे, बट क्योंकि हमें ग्राफिकली दिखाना है, हमें ये वर्ड यूज करना है कि हम ग्राफ से ही इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, व्हाट आई वांट टू से कि ग्राफ से एक्चुअल टच आएगा सेकंड और थर्ड पे। यहां पे फिर भी थोड़ा सा ना नाटक ही करना है, कैसे नाटक करना है आई शो यू, मैं करके दिखाता हूं फिर आपको ही वैसा करना है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, फ्रॉम ग्राफ नहीं, पहले आप लिखो एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं अपने, धीरे धीरे बताते हैं, बस जब जरूरत पड़ती है ना ऐसे नहीं बताते। एज वी नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज चेंज इन वेलोसिटी, इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यही होता है, हा ना। तो आप क्या करोगे, इसको बॉक्स पे कर दो क्योंकि ये फॉर्मूला है। अब आप लिखो फ्रॉम ग्राफ, अब आप क्या लिखोगे फ्रॉम ग्राफ, क्योंकि आपने ये तो फॉर्मूला यूज किया, अब फॉर्मूले में ग्राफ का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा तभी तो ग्राफिकल मेथड बनेगा। तो फ्रॉम ग्राफ आप लिखोगे एक्सेलरेशन के लिए ए वर्ड यूज करोगे, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है एसी और इनिशियल है एबी, तो चेंज कितना आएगा बीसी अपॉन टाइम टेकन कितना होगा, ये इनिशियल टाइम ये फाइनल टाइम, तो ये होगा ओए, ठीक है। तो बस ये सब लिख दिया ताकि हमें ग्राफ का कुछ यहां पे लिखा हुआ दिख गया। बस इसके बाद क्या करना है वो आपको भी पता है मुझे भी पता है, क्या करोगे अगर नहीं पता तो देख लेना, बी सी की वैल्यू लिख दोगे v माइनस यू, ओ ए की वैल्यू t, बस अब तो पता ही है क्या करना है, इस t को इधर ले आओ तो ये हो गया। ये जस मजाक है ये वाली इक्वेशन छोटा सा, और कर लेना आपने, इस u को इधर ले आओ, इट विल बिकम ए टी, तो पहले से था प्लस यू और हो जाएगा इज इक्वल टू वी। अपने को शक्ल ऐसी पसंद है ना, जस्ट ह्यूमन साइकोलॉजी, आपको x इक्वल टू 5 ज्यादा अच्छा लगता है 5 इक्वल टू x के बजाय, तो वैसे काम हो चुका, बट आप इसको उल्टा करो तो बस कर लो v is equal to u plus 80। लो जी फर्स्ट इक्वेशन हमारी डिराइव होगी, इसमें कभी भी टाइम नहीं लगता और आज कैसे लग जाता है। तो फर्स्ट इक्वेशन इज डिराइव फ्रॉम ग्राफिकल मेथड, तो आपको इस पर और उसमें वर्क क्या है आई टेल यू, कि सिर्फ इतना सा फर्क है आपने जानबूझ के यहाँ पे बीसी और ओए लिख दिया, इसके अलावा इसमें कोई फर्क नहीं है जो एनालिटिकल किया था और जो ग्राफिकल किया था। हाँ सेकंड थर्ड करोगे उसमें फर्क दिखेगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि नाटक करना था तो वो हमने कर लिया। ओके नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन हमने डिराइव कर ली, बिल्कुल नौटंकी सी थी, क्या नाटक करना था वो आपको मैंने सिखाया, मैंने जैसे किया वैसे ही करके आना आपको भी, जस्ट एक स्टेप जिसको ना भी लिखते तो भी हो जाता, जस्ट ग्राफिकली का कुछ वहाँ पे इंपॉर्टेंस रखना था, मान रखना था, तो हमने वो डाल दिया उसके अंदर, क्लियर। नाइन्थ में भी ऐसे करते थे, इलेवंथ में भी ऐसा ही करना है। और जैसे ही मैंने फर्स्ट रिकॉर्ड किया फिर मैंने चेक किया कि अरे माइक जो है वो तो डिस्कनेक्ट हो गया, दैट्स वाई शायद फर्स्ट पार्ट के अंदर आवाज़ थोड़ी कम हो, सो आप मैनेज कर लोगे, है ना। और अब अपन चेक करते हैं सेकंड वाले को कैसे डिराइव करना है। द सेकंड इक्वेशन इज, पहले आप टारगेट डिसाइड करो, टारगेट है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पता है अपने को इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसे
बताने की जरूरत है। अब आप देखो कि जब मैंने आपको ग्राफ वाली वीडियो बताई थी, उसमें आपको कहा था, वेरियस ग्राफ डिस्कस किए थे वीडियो के अंदर अपन, उसमें डिस्कस किया था कि ग्राफ के अंदर आपको अगर किसी ग्राफ की स्लोप निकालनी है तो आप निकालते हो वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी अपॉन एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी, या फिर आपको एरिया निकालना हो। मैंने आपको कहा ना कि नाइन्थ क्लास के लिए भी इजी है, उस सेंस से मैं अगर बताऊं, बिल्कुल नाइन्थ वाले बच्चे के हिसाब से भी, तो वहां पे आपको याद करवा दिया गया था कि एरिया अंडर ग्राफ कैसे निकालते हैं, वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी इंटू एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी। क्लियर हुई बात? आपको एस निकालना है, क्या एरिया निकालने से एस निकल जाएगा? पहले आप माइंड में सोच के देखो। तो एरिया निकालने के लिए आपको वी को टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी इंटू टाइम मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इंटू टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट। और क्या डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है? तो हाँ बिल्कुल यही निकालना है। तो इट मीन्स आपको इस इक्वेशन को निकालने के लिए एक ट्रिक मिल गई कि आपको एरिया ऑफ द कर्व निकालना है। गॉट माई पॉइंट? आपको एरिया निकालना है। क्लियर? अब एरिया कैसे निकालोगे? एरिया निकालने के दो तरीके हैं। एक तो आपको ये शेप टूटती हुई दिख रही है, एक रेक्टेंगल और एक ही ट्राइंगल, आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि फ्रॉम ग्राफ, जितना ग्राफ का यूज कर सको उतना नाम ले सको उतना लिया करो, क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड है। फ्रॉम ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू, ग्राफ का एरिया कैसे निकल सकता है, ये दो एरिया का सम करना पड़ेगा आपको, है ना। फर्स्ट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये सिंबल क्वाड्रिलेटरल का होता है, रेक्टेंगल के साथ भी चल जाएगा, रेक्टेंगल ओ ए बी डी, ओ ए बी डी, इसका एरिया प्लस करना है आपको साथ में। ठीक है, प्लस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, डी बी सी, इन दोनों का एरिया आपको ऐड कर देना है। और आपको पता है एरिया अंडर कर्व या एरिया ऑफ ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये तो रिप्रेजेंट करने वाला है एस को, है ना। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? यू वेरी वेल नो इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ये सेवन्थ क्लास की प्रॉब्लम बन गई, अब ये नाइन्थ क्लास की इलेवंथ क्लास की प्रॉब्लम है ही नहीं। और एरिया ऑफ ट्राइंगल इट इज हाफ इंटू बेस, इसको पूरा लिख लेना भाई, बेस इंटू हाइट, ये लिख दिया आपने। अब अपने इसको जो जो बातें पता है वो लिख देते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, देखो यू इंटू टी, तो ये बनेगा यू टी, क्या बन गया? बिल्कुल बन गया, प्लस हाफ, वाओ हाफ आ रहा है, एटी स्क्वायर आना चाहिए बस इन दोनों से, बी इंटू हाइट, बेस, ये वाला ट्राइंगल है इसका बेस ये रहा ऑरेंज कलर वाली लाइन, तो ये बेस क्या है? टी। लो जी टी तो आ गया। हाइट, हाइट कितनी है? हाइट है वी माइनस यू। ओ हो, चलो कोई नहीं, जो दिख रहा है वो तो लिख लिया, बट हमें इस बात का अफसोस है कि यहाँ पे टी आ गया था, तो यहाँ ए टी आना चाहिए था, ये वी माइनस यू आ रहा है। क्या आपको लगता है कहीं से वी माइनस यू हटा करके ए टी लिखा जा सकता है? बिल्कुल इजीली लिखा जा सकता है, येस वी नो। अब फिर से ये नौटंकी थी, है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता है, तो वी माइनस यू ए इंटू टी होता है, है ना। तो बस अब अपने को क्या करना है, ये चीज़ यहाँ पे चिपका देनी है, इसको हटाओ, उसको प्लग इन करो इसकी जगह पे, हाफ इंटू टी इंटू ए टी, क्योंकि ये ए टी ही तो है। तो जस्ट आपने ये करा, आपके पास आया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, विच इज द इक्वेशन वी रिक्वायर। वाओ, रिदम बन गया है, तो हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन दैट वी रिक्वायर। तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, देखो कितना साफ साफ सुथरा सुथरा काम है, इतना साफ सुथरा बोर्ड बहुत कम होता है मेरे केस में। तो सिंपल बस इतना ही करना था आपको, कुछ कहने की जरूरत नहीं इसमें। चलो कर लिया, आप सेव करके रख सकते हो इसको, आप फिर इसको लिख लेना अगर सिर्फ समझ रहे हो अभी तो। अभी आप अपने चलते हैं थर्ड इक्वेशन पे, है ना, थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं। ये देखो मैंने ब्लू वाला मटेरियल नीचे वाला मिटाया नहीं अभी, या मैं कहूँ कि कुछ मिटा देता हूँ मैं, और ये सब कुछ ही मिटा देता हूँ। ऐसा क्यों पता चलेगा? वेट, आपको थर्ड इक्वेशन निकालनी है, और अगर आपको नाइन्थ का याद है तो आपको पता चल गया होगा। थर्ड के लिए पहले मैं टारगेट सेट करता हूँ, टारगेट मुझे है इसकी तरफ पहुँचना, टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, दिस इज माई टारगेट। ओके, अब अगेन
अगेन आप इसको इस तरह से भी सोच सकते हो कि आपको s इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2a ऐसा कुछ कैलकुलेट करना है ना। और अगर s निकालना है इट मींस आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ये चीज़ें मन में करनी है, सिर्फ वहाँ लिखनी नहीं है, फिजिकली नहीं लिखनी, बस मेंटली करनी है। इससे फ़ायदा क्या होगा, हमें टारगेट मिल जाएगा, इक्वेशन निकालनी है तो पता है, बट ऑन द स्पॉट टारगेट क्या है, इस ग्राफ में करें क्या, तो हमें टारगेट मिल गया, इस ग्राफ का एरिया निकालो, उससे ऐसा आएगा। बट आपको एक हिंट ये भी है दिमाग में कि जिस तरीके से हमने एरिया निकालना सीखा है उसी तरीके से निकाला तो सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। इट मीन्स एरिया भी निकालना है पर किसी अलग तरीके से निकालना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, तो समझो अब इसका एरिया तो निकालना है बट आपको अब इनको स्प्लिट करके नहीं निकालना। तो ये तो फर्स्ट और सेकेंड ये जो है ना हमारा तरीका गया। इसके अलावा इस पूरी स्ट्रक्चर को देखो, इट लुक्स लाइक, कौन सी मैथमेटिकल शेप है ये, यस इट इज ट्रेपीजियम, है ना। ये ट्रेपीजियम है जिसमें एक पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल और एक पेयर ऑफ साइड इज एंटी पैरेलल, तो ये ट्रेपीजियम है। तो आपको एरिया ऑफ ग्राफ अब किस तरह से निकालना है, आपको निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और उसका नाम लिखोगे ओ ए सी डी, ओ ए सी डी, ऐसे निकालोगे आप इसका एरिया, ठीक है। तो अब मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ग्राफ को आप रिप्लेस करोगे एस से हमेशा की तरह। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है ये आपको बताना चाहिए, तो ये होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, ये होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, क्लियर। देखो सेवन्थ क्लास वाले फॉर्मूले कितने ज़्यादा काम आ रहे हैं मैथ्स के। ओके, तो s इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट, अब हाइट का मतलब आप ये मतलब लेना, हाइट का मतलब क्या होता है, पैरेलल साइड्स इनका सम तो आप इजीली कर लोगे क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हैं। तो पहले अपने ऐसा करते हैं इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, ये साइड है u और ये पूरी बड़ी दूसरी बड़ी क्या है v, तो दिस इज v प्लस u, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाइट का मतलब होता है इन दोनों साइड्स के बीच का डिस्टेंस, क्या आपको इसके और इसके बीच का कोई डिस्टेंस दिख रहा है, यस, या तो आप इसको ले लो, ठीक है, या आप इसको ले लो, दोनों एक ही तो बात है। तो ये क्या आएगा, दिस इज टी, क्लियर हुई बात, लो ये क्या हो गया, चलो ये तो अगर इससे मिल जाए तो ये 2s बन जाएगा क्योंकि मैं 2as जैसा कुछ चाहिए, तो अपने को जितना भी कुछ दिखता है तो हम फटाफट बना लेते हैं। एक तो यहाँ पे a की कमी है, दिख रहा है ना आपको, एक तो यहाँ पे a की कमी है और दूसरा यहाँ पे क्या है, t एक्स्ट्रा है और v प्लस यू है। हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो चाहिए था v माइनस यू या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर चाहिए और एक a चाहिए। तो अब इसको कैसे करें, इसको करने के बहुत सारे तरीके, इस t को आप हटा दो, इस t को आप कैसे हटा सकते हो वापस से, वी नो दैट, जानते हैं हम एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी, है ना, आपको t हटाना है तो t की वैल्यू निकालो, t बनेगा v माइनस यू बाई ए, नथिंग स्पेशल। जैसे आपने ये अप्रोच लगाई आपका काम बस खत्म होने वाला है। लो जी लिखते हैं अपने इसको, 2s इज इक्वल टू टी की जगह टी हटाओ ये लगाओ, ये आया वी माइनस यू और मल्टीप्लाइड में है वी प्लस यू और इसके नीचे था a, क्या आपको दिख रहा, हो गया हमारा काम। इस a को इधर लेकर के आएंगे, दिस विल लुक लाइक 2as, ये है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लो फिर से हमारा काम फटाफट हो गया, बड़ा ही साफ सुथरे तरीके से जिसकी हमें बिल्कुल आदत नहीं है। सो नाउ वी आर डन विद द थर्ड इक्वेशन, दैट इज 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्लियर हुआ ये सब। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट इक्वेशन नोटंकी करनी थी, सेकंड इक्वेशन में एरिया निकालना है, थर्ड इक्वेशन में भी एरिया निकालना है, बट सेकंड इक्वेशन में अलग तरीके से, थर्ड इक्वेशन में अलग तरीके से, ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ जिससे आपको याद रहे, इसको आप सेव करो तो स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो, अगर आपने लिख लिया तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लो आपको फर्स्ट इक्वेशन तो याद रह ही जाएगी, वो तो भूलने वाली चीज़ है ही नहीं, और बाकी दो इक्वेशन आएंगी एरिया से। एरिया निकालने के कितने तरीके, दो तरीके, एक तरीका है स्प्लिट करके,
ध्यान से सुनना, एक तरीका है स्प्लिट करके और एक तरीका है ट्रेपीजियम वाला, ट्रेपीजियम वाला और स्प्लिट करके। स्प्लिट करोगे, स्प्लिट में एस आ रहा है, एस से सेकंड, एस से सेकंड, आप इससे सेकंड इक्वेशन निकाल सकते हो। और टी, टी मैंने, टी से क्या होता है थर्ड, तो ट्रेपीजियम से आप थर्ड इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये क्यों बताएं सर, अब एक तो सर अपने को तो तीनों इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, तो मैंने अगर पहले ट्रेपीजियम से निकाल दी तो क्या दिक्कत है, मेरी पहले थर्ड प्रूव हो जाएगी फिर सेकंड प्रूव हो जाएगी। बट अगर आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछे हो सेकंड इक्वेशन प्रूव करने के लिए एक नंबर में आया हो, तो आप वहाँ पे दिमाग लगाओ कि भाई मुझे ट्रेपीजियम से निकालूंगा तो अच्छा अच्छा ऐसे आएगा तो थर्ड बनती है ये, स्प्लिट करके निकालता हूँ तो ऐसे आती है, तो ठीक है अब मैं ये वाला काम करता हूँ, तो आपका ये जो थॉट प्रोसेस है ये बच जाएगा इसको याद रखने से, कि स्प्लिट करोगे तो सेकंड आएगी और ट्रेपीजियम यूज़ करोगे तो थर्ड आएगी। बाकी इट इज़ ऑल योर चॉइस, आप इसको यूज़ करते हो, अपना कुछ दिमाग लगाते हो या वैसे याद रख लेते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन, वेरी स्मॉल सेशन जिसके अंदर हमने तीन इक्वेशन डिराइव करी फ्रॉम ग्राफिकल मेथड। अच्छा, फोर्थ वाले का क्या ख्याल है, फोर्थ वाले भी डिराइव करनी तो कैसे करोगे, देखो आपने एस निकालना सीख लिया तो जो एनालिटिकल मेथड था वो आप डाल दोगे इसके अंदर एस के बाद में, क्योंकि एस को ही यूज करके आप क्या निकालते हो, एस एनथ निकालते हो। क्लियर, सो आप इसको प्रैक्टिस करें। अब थर्ड मेथड बच गया एम ए वाला, वो ओपन करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।